हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक फेवरेट डिश शेयर करने वाली हूँ, जो कि है उड़द की दाल की खिचड़ी, जो मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पसंद हो, कुछ लोगों को पसंद ना हो, पर एक बार ऐसे ज़रूर बना के देखेगा तो शायद आप लोगों को अच्छी लगे। और मैं इसके साथ एक बहुत टेस्टी लहसुन की चटनी है वो, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। उसके साथ इस खिचड़ी को खाने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। और एक बार इसको इस मेथड से बना के देखिएगा और अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा। और इसको बारिश में या ठंडी में खाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है, और मैं तो इसे किसी भी सीज़न में खाना पसंद करती हूँ। बाकी ज़्यादा कड़ाके की जो ठंड होती है उसमें तो बहुत मज़ा आता है इसे खाने का। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम चावल ले लेते हैं। 1.5 कटोरी हमने चावल लिया है, ये 1 कटोरी हो गया, और आधी कटोरी और डाल देते हैं इसमें। बाकी जो मेजरमेंट है वो आप अपने मतलब घर में जिस हिसाब से बनाना है, कम ज़्यादा उसके हिसाब से करना ही पड़ेगा। मैं 2.5 कटोरी का मेजरमेंट लेके बना रही हूँ, 1 कटोरी दाल है। अब जिस भी बर्तन से या जिस भी कटोरी से, कप से, जैसे भी नापें उसी के हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। ये हमने साफ़ कर लिया था दाल चावल, और अब इसको धो लेते हैं 3-4 बार अच्छे से पानी में। उड़द की दाल को थोड़ा ध्यान से साफ़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो उसी के जैसे होते हैं, तो कई बार दिखते नहीं हैं, तो अच्छे से रोशनी में साफ़ कर लीजिएगा। और इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। ये देखिए अच्छे से वॉश कर लिया हमने, और अब वॉश करके इसे एक छलनी पे रख दिया, जिससे जो एक्सेस वाटर है वो नीचे निकल जाएगा इसमें। ये देखिए धो लिया हमने, भिगोना नहीं है, बस धो के रख लिया है। और अब इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम एक कुकर ले लेते हैं, उसे गैस पे रख देते हैं, थोड़ा कुकर गर्म हो जाए, फिर हम इसमें डालते हैं रिफाइंड ऑयल। 4-5 टीस्पून हमने रिफाइंड ऑयल डाला है, क्योंकि प्याज इसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और इस वजह से रिफाइंड ज़्यादा डाला है। बाकी हमको जो पसंद आता है ज़्यादा प्याज के साथ पसंद आती है खिचड़ी, वाकई मतलब अगर प्याज ज़्यादा रहे इसमें, प्याज और अदरक इसमें रहे अच्छा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी हम 1 टीस्पून जीरा डालते हैं और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। इसको डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें आप चाहें तो प्याज ज़्यादा भी और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, प्याज की ही जो मिठास आती है वो बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी में। और टमाटर नहीं पड़ता है इसमें, बाकी वो अपनी मर्जी है। ये 3 बड़े प्याज हैं जिसको हमने काट लिया है, इनको ऐसे ही लंबा काटिएगा, फाइन चॉप मत कीजिएगा, खिचड़ी में अच्छा लगता है ऐसे ही। और इसको भूनेंगे तो थोड़ा थोड़ा भूनेंगे, मतलब बहुत डार्क नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको बस ट्रांसलूसेंट करना है। अभी हम ये अदरक काट लेते हैं बारीक बारीक। जब ये अदरक खिचड़ी खाते हुए मुंह में आता है तो उसका टेस्ट ही बहुत अलग हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसको भी डाल देते हैं, जिससे प्याज के साथ अच्छे से भुन जाएगा ये भी। इधर हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही बनती है, आप लोग क्या मुझे नहीं पता खिचड़ी कैसे बनती है, लेकिन आप एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, अगर इस तरह से आप क्या नहीं बनती होगी। और जो मैंने जैसे शुरू में आपने देखा 4-5 चीज़ें जो रहती है खिचड़ी के साथ, इस खिचड़ी के साथ खास तौर पे, तो उसके साथ अगर खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अलग और बहुत बढ़ जाता है। अभी हम इसको प्याज को जब तक भून लेते हैं अच्छे से, ये देखिए आप देखिएगा कितना भुना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बाकी कुकिंग में ऐसा कुछ नियम कभी भी कंपलसरी नहीं होता है, आपको जैसे पसंद हो आप कर सकते हैं। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, जो जैसे मैं बना रही हूँ, जैसे हमारे घर में बन रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल वही रेसिपी दिखेगी, वही बनेगी भी आप बनाएंगे तो। ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ होगा अंदर कुछ होगा, इस टाइप से नहीं होगा कभी भी। अभी ये हो गया है लगभग, देखिए थोड़ा सा और, बस इतना ही भूनिएगा, इसको ज़्यादा मत भूनिएगा। अभी हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे, और इसमें मसाले कोई ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, हल्दी नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी ज़रूर डालिएगा, मैंने देखा है बहुत जगह खिचड़ी
उड़द की खिचड़ी खास तौर पे बिना हल्दी के भी बनती है, और मैंने खाई भी है बिना हल्दी के, बहुत बेकार लगती है, सच में बहुत बेकार लगती है, मतलब टेस्ट ही नहीं आता है। तो हल्दी जरूर डालिएगा, ये नमक डाल लिया स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून, अगर ज़्यादा तेज ना हो, गरम मसाला घर का है हमारा, तेज है इसलिए 1/4 टीस्पून डाला है। इसको अच्छे से मिला लेंगे, और अब चावल डाल देते हैं, दाल चावल जो धो के रखे हैं। अब आप देखिएगा, हम इसमें पानी भी उसी कटोरी की मेजरमेंट से डालेंगे जिस कटोरी से हमने दाल चावल नापे थे। अब आपको देखना यह है कि भाई आपके घर का जो चावल आप लोग खा रहे हैं उसका अंदाज़ आपको होगा कि कितना पानी उठाएगा, तो कितने में खिला बनेगा और कितने में बैठ सकता है वो। तो अभी हम इसमें देखिए चार चार 4.5 कटोरी पानी डालेंगे जो हमारे चावल का अंदाज़ है। और कुकर भी सबका अब फ़र्क होता ही है, गैस का, कुकर का, चावल का, सबका ही फ़र्क होता है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। जो हम ले रहे हैं इसमें 3.5 कटोरी पड़ रहा है पानी, सॉरी 4.5 कटोरी, ये 4 कटोरी पानी डाल दिया, आधा कटोरी और डालेंगे पानी। तो मेजरमेंट आप अगर उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, बैठाना मत खिचड़ी को ज़्यादा, और कच्चा भी मत रखना क्योंकि नुकसान भी दे सकते हैं उड़द की दालें, इसलिए इसलिए इसको मतलब खिला खिला बनाना। अब ये हो गया है, और इसको कुकर को हम बंद कर देंगे। जब तक ये होगी तब तक हम चटनी तैयार करते हैं। इसमें जब सीटी की हल्की सी आवाज़ आएगी तो गैस हम लो कर देंगे बिल्कुल। और हमने लिए 3 टमाटर लिए हैं, और 4-5 हरी मिर्चें लिए हैं, मिर्चें, और थोड़ा सा लहसुन लिया है, जैसे कि 15-17 कली लहसुन की है, बीज 15-17 बीज। अब इसको हम पीस लेंगे, और आप देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट से कितनी टेस्टी चटनी बनेगी। ये हमने लहसुन प्याज सॉरी लहसुन मिर्च और टमाटर डाल दिया इसमें, और इसमें बस हम एक ही चीज़ डालेंगे, वो है नमक। लाल मिर्च आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो टेस्ट आता है वो हरी मिर्च का ही आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप हरी मिर्च ही डालें, चाहे एक दो एक्स्ट्रा डाल लीजिए अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं। और देखिए चटनी तैयार हो गई, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये चटनी जो है इस खिचड़ी के साथ, मतलब आप ही समझ लीजिए सोने पे सुहागा टाइप का, मतलब इस चटनी को आप वैसे पुलाव के साथ खाएंगे शायद कम अच्छी लगेगी, लेकिन इस खिचड़ी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि खिचड़ी में हमने लहसुन नहीं डाला है, लहसुन की हमने चटनी बनाई है जो कि ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये हो, अब हमने इसकी गैस को लो कर दिया, और 15-20 मिनट हमें कुकर का जो अंदाज है 15-20 मिनट बाद हम इस गैस को ऑफ कर देंगे, और जब वो पूरी उसकी स्टीम निकल जाएगी तो कुकर ओपन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कढ़ाई में या कोई भी फैला हुआ बर्तन लीजिएगा, उसमें 4-5 चम्मच देसी घी नीचे डालिएगा। अगर मक्खन हो आपके पास तो मक्खन डाल सकते हैं, जो घर में मक्खन निकालते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया लगता है इसके साथ। ये भी घी घर का है, अच्छा है, और अगर वो कच्चा मक्खन हो तो वो डालिएगा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अभी खिचड़ी इसमें डाल देंगे, ये जो थोड़ी थोड़ी सी लग गई है, जली नहीं है, हल्की सी लग गई है, क्योंकि अगर जल्दी गैस ऑफ कर देते तो कच्ची भी रह सकती थी खिचड़ी, जो बहुत नुकसान दे जाती है उड़द की खिचड़ी जो होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी क्या करेंगे, ऊपर से डालेंगे 3-4 चम्मच जब ये पलटने के बाद। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे क्या होता है खिचड़ी खिली खिली रहेगी, और बाद में भी घी ऐड नहीं आपको करना पड़ेगा, अभी कर लिया तो बहुत ज़्यादा, अगर किसी को एक्स्ट्रा ही घी खाना है तो वो ऊपर से फिर भी डाल सकता है, पर हम इसी में डाल लेते हैं तो इनफ हो जाता है, ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है इसको, मतलब आप खाली घी से भी खाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, और इसका जो ढक्कन है उसे उसी को ढक के उसी में 5-10 मिनट छोड़ देंगे इसी के अंदर, अभी तो गर्म है ही, बाकी तो कुकर में भप गई थी, अच्छे से उसे भपना बोलते हैं, जो पक जाता है पूरा, अगर स्टीम के पहले कुकर खोल देते हैं तो कच्ची रह जाती है खिचड़ी, तो उसको भपना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये लेंगे तेल वाला आम का अचार है घर का ही अचार जो होता है इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैंने देखा है, क्योंकि बाजार का जो आम का अचार आता है उतना मज़ा नहीं आता है इसके साथ खाने में। और ये चटनी हो गई जो अभी हमने बनाई थी, चाहे आप खाली चटनी मिला के खाएं, चाहे खाली घी मिला के खाएं, चाहे दही से खाएं, जैसे भी खाएं बहुत अच्छी लगती है। और जो है चटनी के साथ ही खिचड़ी के साथ 4-5 चीज़ें ना हो तो मज़ा नहीं आता इस खिचड़ी का। आम का अचार हो गया, चटनी हो गई, दही हो गई, घी हमने खिचड़ी में डाल ही लिया है, और हम खिचड़ी सर्व कर लेते हैं। और इसके साथ तला हुआ पापड़, तला हुआ नहीं खाते हैं तो गैस पे भून लीजिएगा,
और थोड़ा बहुत तो कभी कभार चल जाता है, तला हुआ पापड़ इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल ही अगर नहीं है तो आप गैस पे ही भून के खाइए, वो भी बुरा नहीं लगेगा। ये देखिए हमने खिचड़ी सर्व कर ली और ये पापड़, एक बार बना के देखिएगा और मेरे को बताइएगा आपको कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू, बाय बाय।